हर एसएससी के कट ऑफ के बारे में आप बहुत क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर इसलिए नहीं कर सकते ना कि बहुत सारी चीजें क्लियर होती नहीं, बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं एग्जाम देके चले गए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, तो इसलिए उसके बारे में अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना मेरिट जाएगा। तो और बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसको जो है माइक पे नहीं कहा जा सकता, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरिट को घटा बढ़ा देती हैं। अगर हम कहें कि कौन इसमें टफ है, कौन ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि बिहार एसएससी ज्यादा टफ है, वनस्पत झारखंड एसएससी। क्योंकि आपका एकदम पहला और अंतिम लक्ष्य ही कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो कोई भी फॉर्म आप छोड़िए, हम लोग इधर कोई फॉर्म छोड़ते नहीं थे, सारा फॉर्म भरते रहते थे। ये ना सोचे कि हमको यही नौकरी करनी है, हमको वही नौकरी करनी है, आजकल ये सब नहीं होने वाला है। जो नौकरी मिले, जहाँ आपके मिले, जितने पैसे वाली नौकरी मिले पकड़ लो, इसमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या कि पेपर एक ही मतलब लेवल का है, तीन लेवल में नहीं आना है, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू नहीं होना है। कि बिहार एसएससी में जो सिलेक्शन का मेन आधार है वो आपका जनरल स्टडीज होगा, लेकिन वहाँ पे जनरल स्टडीज बहुत मेन आधार नहीं, क्योंकि उसमें जो है आपको साइंस और मिला के 50% पूछे जाने हैं, और बाकी जो 150-150 क्वेश्चन हैं जीएस के, उसे बाकी बहुत सारी चीज़ें मैथ भी साम डाल दिया है, रीजनिंग भी डाला है, कंप्यूटर भी डाला है, झारखंड स्पेशल डाला है। हमारे यहाँ जो है बिहार का बीएसएससी होता है, उसमें बिहार स्पेशल को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं लेकिन एकदम स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 40 प्रश्न पूछेगा। उस बच्चे का 3 महीने में नहीं होगा जो आज से पढ़ाई शुरू कर रहा है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, कहीं प्री पे रुक गए, कहीं मेंस पे रुक गए, कहीं इंटरव्यू पे रुक गए, कहीं पे जो है फिजिकल हुआ तो वहाँ रुक गए, उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं। तो आराम से 3 महीना आपका रिवीजन का टाइम, आप अगर बढ़िया से रिवाइज करेंगे तो आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। झारखंड में 2017 सचिवालय सहायक के लिए फॉर्म आया हुआ है, और बता दें आपको कि फॉर्म भरने के डेट में भी बढ़ोतरी की गई है, 8 अगस्त तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। हमारे साथ हैं रमांशु सर, इनसे जानेंगे कि कैसे आप तैयारी करें। इससे पहले भी हमने वीडियो किया था, अब और सटीक आपको बताएंगे सर कि कैसे तैयारी करना है, कब तक परीक्षा होगी और क्या रणनीति रखना है। सर क्या कहना है सर? देखिए, अभी जो डेट बढ़ाने का जो प्रश्न था, तो डेट इसलिए बढ़ाया गया कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे थे तो भरा नहीं पा रहा था और वेबसाइट स्लो चल रहा था, लेकिन अब वो समस्या सॉल्व धीरे धीरे कर रहे हैं लोग, इसीलिए डेट आगे बढ़ा दिए हैं। और जहाँ तक जो है फॉर्म भरने का है, तो अदर स्टेट, सभी स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम भी अदर स्टेट के भरते हैं तो इसमें भर रहे हैं, और प्लस झारखंड में भी बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। किसी भी स्टेट में अगर हम बात करें तो जो भी वहाँ का स्टेट पीसीएस होता है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी होती है वो सचिवालय की ही होती है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो सारे बच्चों से मैं कहूँगा जरूर इस फॉर्म को भरें। अब रहा बात तैयारी करने की बात हुई, तो इस बार थोड़ा सा कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैं देखा कि कमेंट करते हैं कि पिछले बार जो झारखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ था, तो उसमें जो लोग लोकल लैंग्वेज लिए थे उनको बड़ा बेनिफिट मिला था, तो वो लोग कह रहे हैं कि इसमें भी ऐसा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या कि पेपर एक ही मतलब लेवल का है, तीन लेवल में नहीं आना है, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू नहीं होना है। दूसरा एक किया क्या है इसमें कि जो पिछले बार मेंस का पेपर था वही पूरा सब डाल दिया एक ही बार। मैंने आपको पहला जो पेपर होना है हिंदी और इंग्लिश का होना है, जिसमें जस्ट क्वालिफाई करना है 30 मार्क्स मिला के दोनों मिला के, और जो आपका सेकेंड पेपर होना है वो किसी जो आप लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे, जो उन्होंने लैंग्वेज दे रखे हैं उसमें करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो 100 प्रश्न पूछे जाने हैं इसमें, जिसका नंबर भी जुड़ेगा, क्वालिफाइंग भी है ये, और ये जो है सारा का सारा जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला सकते और बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। ये नहीं सोचेंगे कि झारखंड के बच्चों को हम ज़्यादा दे दें और बाकी को नहीं, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। हाँ, बात रही पेपर जो है कि पेपर आसान बनाते हैं कि कठिन बनाते हैं, तो वो तो भाई झारखंड जो एस एस सी एग्जाम करा रहे हैं वो जाने, उसके लिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी इस तरह के सब्जेक्ट हो, बिहार एस एस सी से ज़्यादा टफ होगा या इसी लेवल का होगा? नहीं नहीं, बिहार एस एस सी का तो पेपर का तरीका ही अलग है, दोनों का कोई आपस में तुलना ही नहीं, क्योंकि बिहार एस सी में जो सिलेक्शन का मेन आधार है वो आपका जनरल स्टडीज़ होता है, लेकिन वहाँ पर जनरल स्टडीज़ बहुत मेन आधार नहीं, क्योंकि उसमें जो है आपको साइंस और मिला के 50 प्रश्न पूछे जाने हैं, और बाकी जो 50-150 क्वेश्चन हैं जीएस के, उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें मैथ भी साम डाल दिया है, रीजनिंग भी डाला है, कंप्यूटर भी डाला है, झारखंड स्पेशल डाला है। हमारे यहाँ जो है जो ये बिहार का बीएसएससी होता है, उसमें बिहार स्पेशल को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं लेकिन एकदम स्पेसिफाई नहीं किया गया 40 प्रश्न पूछेगा ही, प्लस उसमें कंप्यूटर का भी दिया गया है 20 नंबर,
और उसके साथ साथ ये लैंग्वेज दे दिया है, तो लैंग्वेज का नंबर भी जुड़ना है, तो लैंग्वेज प्लस जो थर्ड पेपर है जीएस और सारा वो सब जुड़ के मेरिट बनेगी। तो इसलिए जो है बीएसएससी और जेएसएससी की कंपेरिजन नहीं कह सकते, दोनों है। लेकिन अगर हम कहें कि कौन इसमें टफ है कौन ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि बिहार एसएससी लो ज्यादा टफ है, वनस्पत झारखंड एसएससी के ज्यादा टफ है। हाँ सर, ये परीक्षा को लेकर सर कब तक संभावना है सर? और दूसरा चीज सर कि बीएसएससी या कल मेंस भी हुआ सर, उसका क्या आप कट ऑफ सोच रहे हैं सर? कैसे देख रहे हैं उन प्रश्नों को, और जो उसके छात्र हैं जो दिए हुए हैं उनको आप क्या कहेंगे जेएसएससी को लेकर? देखिए, जो भी इस बार बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं लोग, प्री क्वालिफाई किए, मेंस किए, अभी ये सब केस भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा लिया। जिस प्रकार का सरकार का रवैया है, निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे हताश भी हुए होंगे कि उनको लगा कि जो है पेपर कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर एग्जाम करा लिया। अच्छा, बहुत सारे लड़कों का जो रिपोर्ट आया कि सर पेपर थोड़ा सा जो है टफ था, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, तो कुछ लड़के बढ़ के मॉडरेट है, कुछ बोले कि जो है मॉडरेट से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी के कट ऑफ के बारे में आप बहुत क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर इसलिए नहीं कर सकते ना कि बहुत सारी चीजें क्लियर होती नहीं, बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं एग्जाम देके चले गए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, तो इसलिए उसके बारे में अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना मेरिट जाएगा। तो और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसको जो है माइक पे नहीं कहा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरिट को घटा बढ़ा देती हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे जरूर ये कहूँगा कि जो भी फॉर्म आए फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके में 19-20 लगभग सेम है। अब आप नहीं कहेंगे कि सर हम ये फॉर्म भरे हैं तो वो वाला तैयारी कैसे करें वो करें, जब आप एक बार जीएस बढ़िया से पढ़ ही लिए हैं तो उसको बार बार आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है, तो बाकी जो छोटा मोटा जुड़े उसको पढ़ लीजिए, उसके लिए जो है परेशान मत होइए, पढ़ लीजिए। और चूंकि आपका एकदम पहला और अंतिम लक्ष्य यही कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो कोई भी फॉर्म आप छोड़िए मत। हम लोग भी थे तो कोई फॉर्म छोड़ते नहीं थे, सारा फॉर्म भरते रहते थे, ये ना सोचिए कि हमको यही नौकरी करनी है, हमको वही नौकरी करनी है, आजकल वो सब नहीं होने वाला है। जो नौकरी मिले, जहाँ पे मिले, जितने पैसे वाली नौकरी मिले पकड़ लो, उसके बाद जो तुम्हारा सपना ख्वाब होगा कि हमको आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, डीएम बनना है, एसपी बनना है, वो सब करते रहना है। इन पहले सारे फॉर्म भरो, कोई फॉर्म मत छोड़ो कि ये फॉर्म नहीं भरेंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे। सर 3 महीने में सर तैयारी हो जाएगा सर अच्छे से? देखिए, 3 महीने में तैयारी उसका नहीं हो पाएगा जो आज से तैयारी कर रहा है, लेकिन जो लड़के पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बहुत सारी चीज़ें तैयारी हैं। थोड़ा सा बस लैंग्वेज को लेके हो सकता है कि भाई लैंग्वेज तैयार कैसे हम करें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए तो काफ़ी सफिशियंट टाइम है ही है। झारखंड स्पेशल पढ़ने के लिए आपको 3 महीना टाइम नहीं चाहिए, जो झारखंड स्पेशल जो है झारखंड के बच्चों का होगा वो इतना ही लगभग बिहार के बच्चों का है, 19-20 का अंतर है। तो अगर आप अपने पढ़ाई का 30% टाइम इसमें दे देंगे तो आराम से सब्जेक्ट भी हो जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप लैंग्वेज लेते हैं, और प्लस झारखंड स्पेशल भी हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्यूटर भी पढ़ लीजिए। अब कोई लड़का कहे कि सर 3 महीने में होगा कि नहीं, उस बच्चे का 3 महीने में नहीं होगा जो आज से पढ़ाई शुरू कर रहा है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, कहीं प्री पे रुक गए, कहीं मेंस पे रुक गए, कहीं इंटरव्यू पे रुक गए, कहीं पे जो है फिजिकल हुआ तो वहां रुक गए, उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं। तो आराम से 3 महीना आपका रिवीजन का टाइम है, आप अगर बढ़िया से रिवाइज करेंगे तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और झारखंड एसएससी के बारे में बता दें, सचिवालय सहायक की परीक्षा है, और सर का कहना है कि यहाँ के बीएसएससी की तुलना में ज़्यादा आसान लगता है वो, तो फॉर्म तो जरूर डालें आप और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अक्टूबर में संभावना है कि आपका परीक्षा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।